हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर अभिजीत। बहुत सारे स्टूडेंट ने नीट 2024 के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने का सोचा है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा नीट में हुआ क्या है और एक्चुअली होने क्या वाला है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है। वो सभी डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसीलिए मैंने डिसीजन आने तक का वेट किया। आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक्चुअल हुआ क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है कि नीट का पेपर पुनः होगा, रीनीट होगी, या फिर काउंसलिंग जो होने वाली है, एडमिशन जो प्रोसेस होने वाली है, वो कैसे होने वाली, इसके ऊपर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में डिटेल में बताया। आज मैं आपको पूरा डिटेल क्लियर बता देता हूँ, आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं, जो है वो फाइनल डिसीजन है। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नीट रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसके बाद सभी स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट को इसको डाउट थे, तो उन्होंने सभी को क्लेम किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर लीक हुआ है, सेकंड जो स्टूडेंट की ओएमआर शीट और मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट है, उसमें मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, थर्ड जो है, बहुत सारे स्टूडेंट को टाइम नहीं मिला था इसीलिए उन सभी स्टूडेंट को ग्रेस मार्किंग दिया है। इन सभी चीज़ों को स्टूडेंट ने बताया था और केस फाइल किया था जो सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल गई थी। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट डिसीजन आया था कि ये जो चीज़ें हुई है या क्या ये सही है या फिर गलत है, एनटीए को 8 जुलाई तक टाइम दिया था कि आप इसका क्लेरिफिकेशन दीजिए। तो एनटीए ने उसके दो दिन बाद ही एक क्वेश्चन एंड आंसर की पीडीएफ लॉन्च की थी, उस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसमें सभी क्वेश्चन आंसर की जवाब दिए है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन थे उसके आंसर दिए, लेकिन उसमें पेपर लीक का कोई भी इशू सॉल्व नहीं किया है, ना ही उसका कोई मेंशन किया है। और जो भी ग्रेस मार्किंग दी है, ग्रेस मार्किंग की वजह से उन सभी स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हुए, इसीलिए उन सभी स्टूडेंट का रैंक इंक्रीज हुआ है। इसके ऊपर भी कोई अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट डिसीजन था कि एनटीए को सभी सवालों के जवाब देने होंगे और जो एडमिशन प्रोसेस है सभी स्टेट की, वो एडमिशन प्रोसेस डिले नहीं होगी, वो जो टाइम पे है वो टाइम पे एडमिशन प्रोसेस होगी। तो काउंसलिंग प्रोसेस कंपलसरी होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगे, कोई भी डिले नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड जब आज डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, ग्रेस मार्किंग की वजह से उन सभी स्टूडेंट का जो रैंक इंक्रीज हुआ है, उन सभी स्टूडेंट को जो 1563 स्टूडेंट है उनको फिर से पेपर देना होगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 23 जून को उनका पेपर होने वाला है। जो भी स्टूडेंट को ग्रेस मार्किंग दिया था उन सभी स्टूडेंट को फिर से एग्जाम देना होगा 23 जून को। एनटीए ने भी कहा है जो जिन स्टूडेंट को हमने ग्रेस मार्किंग दिया है उनका एक्चुअल स्कोर हम उनके ईमेल पर भेज देंगे और उनको 23 जून को एग्जाम को अपीयर होना है, उनको 23 जून को एग्जाम देनी है। उसके बाद एनटीए ने कहा है कि इस एग्जाम कंडक्ट करने के बाद हम जून के लास्ट में ही सब कुछ जो उनका स्कोर कार्ड है वो फिर से हम बना देंगे, और जिसमें सभी स्टूडेंट को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, सभी स्टूडेंट को चांस नहीं दिया है रीनीट के लिए, यानी जो स्टूडेंट को ग्रेस मार्किंग मिली उनको ही पुनः एग्जाम देना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उन सभी स्टूडेंट का जो ग्रेस मार्किंग दिए थे उन सभी स्टूडेंट का स्कोर कार्ड कैंसिल कर दिया है, उनको फिर से एग्जाम देने के बाद फिर से उनका स्कोर कार्ड आएगा और जो भी 1500 के हिसाब से अभी रैंकिंग में बदलाव आ सकते हैं। ये हुआ फाइनल डिसीजन। और अब जो काउंसलिंग प्रोसेस है सभी स्टेट के लिए, मैं रिकमेंड करूंगा या फिर जो भी प्रोसेस है आपकी स्टेट की, काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, आपको कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, सभी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कीजिए, फिर से रिग्रेट ना हो कि हमें ज़्यादा मार्क्स है या फिर कम मार्क्स है। क्या होता है कि जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है हम एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हुए तो हम एडमिशन, अगर आपको मार्क्स आपके मार्क्स का कट ऑफ आता है तो अगर आपको एडमिशन लेना तो अगर लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कर दिए, आपको कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, आपके रैंकिंग क्यों ना चेंज हो। तो जिन भी कभी बहुत सारे स्टेट का भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इसीलिए, और नीट का पेपर नहीं होगा, नीट का पेपर पुनः नहीं होगा, जो भी स्टूडेंट का जो ग्रेस मार्किंग मिला है उन सभी का स्टूडेंट का ही रीनीट होगा। तो ये सब कुछ इस 15 डेज में हुआ है, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है। अभी इसके अकॉर्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।